श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। आज हमारे यहाँ पे बहुत अचानक से एक प्रॉब्लम हो गई है और हमारा बोर है और बावड़ी का पानी भी हम लोगों के घर में आता है, तो बावड़ी में भी एक बड़ा सा पौधा गिर गया उसमें, तो उसकी वजह से पाइप टूट गई और उसका पाइप पानी हमारे घर में नहीं आया और जो बोर है उसका भी केबल जल गया। तो अभी दिखाते हम लोगों क्या क्या हुआ है और अचानक से हो गया और फिर पूरा दिन हम लोगों का बहुत, फिर भी हम लोगों ने कुछ टेंशन नहीं ली, बहुत मजे से हौद है हमारा बाहर ही टंकी, उसमें से पानी खींच खींच के लाया जैसे कि बावड़ी से लाते हैं और फिर उसको रिपेयर करने में और बहुत मजा आया, तो उसको भी एंजॉय किया हम लोगों ने। तो मैं आपको अभी वही भी लेके जाती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको क्या हुआ और ये खींच के निकाली उसमें से, तो ये मोटर, तो अभी इसको फिर रिपेयर करके, ये तो ठीक है लेकिन वो केबल जल गया, तो उसको बुलाया है तो वो नीट ठीक करेगा और फिर लगा देंगे। और इसका ये केबल देखो कैसे पूरा जल गया है, पूरा मतलब पूरा बेकार हो गया ये, पता नहीं। और ये देखो पूरा जल गया, इस तरीके से भी जल सकता है, हम लोगों को तो पता ही नहीं था, लेकिन ये भाई भी बोल रहे है इतना खराब होता ही नहीं, पर पता नहीं कैसे हो गया। और यहाँ पे बोरे उसकी पानी देखो ऊपर ही है, पानी बहुत अच्छा है ना इस साल, बारिश अच्छी हुई तो। ये भी डालो, केबल जलने की मेन कारण गाजर के लेडीज है। क्या हुआ था भैया इसको बताओ, केबल बस्ट हो गया था, जल गया था इसका, अब ये निकाल दिए। अच्छा, बाजू में कर दे अभी, फिर नया जॉइंट मार रहे वाटर नया, अभी ठीक हो जाएगा, फिर बिल्कुल चालू हो जाएगा अभी ये जॉइंट मारने के बाद। ये जॉइंट है तो वाटर प्रूफ रहता है, ये वाटर प्रूफ टेप ऑपरेट करता है, ये टेप से मोटर के जॉइंट के अंदर पानी नहीं जाता, इसलिए केबल जलता नहीं जल्दी से। अच्छा, अभी ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल, एक 10 मिनट में अभी आपकी मोटर चालू हो जाएगी, फिर खराब नहीं होगा जल्दी? नहीं, वो नहीं बोल सकते, शॉर्ट सर्किट है, गारंटी तो हमको लाइट की गारंटी नहीं आती। अभी कितना टाइम लगेगा इसको? 10 से 15 मिनट में पानी बाहर निकलेगा अभी बोलता। और भैया आपने सांप की मोटर दिखाओ, कहाँ के कैसे की बता उनको, खोलने पे इसके अंदर मोटर के पंखे वगैरह है, ये इस तरह कैसे होती है मोटर बोर की, इसको घुमा के देखिए फ्री हो गई, इसका मतलब ये ओके है, अभी ऊपर नीचे हो रही है मतलब ओके है, वो हिल रही मतलब ठीक है। अब ये जॉइंट मारने के बाद इसको एक बार चेक करेंगे, ये अगर अच्छे से घूम गई तो ओके, फिर उसके बाद नीचे छोड़ेंगे इसको। अच्छा, थैंक यू, आप लोगों ने तो बहुत काम आसान कर दिया हमारा, कल से बंद थी। हाँ, अभी आ जाएगा, पानी नहीं है ना आपको बिल्कुल, और अभी जॉइंट डाल रहे हो? हाँ, ये वाटर प्रूफ जॉइंट है ये। अच्छा, इससे पानी अंदर नहीं जाता जॉइंट के अंदर। ठीक है, थैंक यू। जय श्री गणेश, सब खराब ना तू बता। और गणेश जी का नाम लेकर मैंने इसको छोड़ दिया है और अभी हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया उसको ताकि वो अच्छे से उसकी सही जगह पे जाए, और पूरा पाइप अभी अंदर डालेंगे इसके ताकि उसको पैक करना है पहले जैसा, ये 220 फुट नीचे और पानी बहुत अच्छा है इसका, और ये इतना लंबा बड़ा पाइप है कि इसमें वो खींचते खींचते उसमें डाल रहे थे और फिर वो इधर से उधर हनुमान की पूंछ की तरह बहुत लंबा था तो उसमें मैं फिर अटक गई थी, फिर आसानी से निकल आई। और आज भी देखो मेरे पूरे काले काले हो गए और ये बहुत लंबा है अभी बाहर, इस सबको अभी धीरे धीरे करके इसमें इसके अंदर रस्सी के सहारे छोड़ेंगे मोटर को, बहुत आसान नहीं है, ये भारी होता है, फिर भी हमारे भाई बहुत अच्छे से छोड़ दिया और मोटर भी चालू करके देखी तो पाइप से पानी निकल आया और फिर बहुत खुश हुई क्योंकि ये बंद था तो अभी शुरू हुआ, फिर मैंने मेरे हाथ जो काले हो गए थे तो उसको भी धो लिया लेकिन वो निकल नहीं रहा अभी, इसे फिर से अच्छे से धोना पड़ेगा। तो मुझे लगा थोड़े से पौधे है इधर, मेरे पपीता है और भगवान को चढ़ाने के लिए गुड़हल है और बहुत सारे, तो उसको भी थोड़ा सा पानी दे दूँ ताकि बहुत अच्छे से आए वो। तो अभी मैंने पपीता और इधर घुमाना चाहा लेकिन वो मुझसे घूम नहीं रहा था, तो फिर भाई ने हेल्प कर दी और अभी उसको पानी देंगे हम
और फिर उसको बंद करेंगे और फिट कर देंगे। ये पपीता है, बहुत मीठे पपीता है इसके ऊपर। तो अभी और फिर पानी हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है, तो इधर से उधर फिर हमने पानी के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। और फिर उसके बाद इसको पैक करा और यहाँ पे पौधों को भी पानी दिया। तो अभी टी टाइम, क्योंकि थक गए वो सब, हम भी थक गए तो कंपनी देते चाय पीते पीते। गई अब पूरी की पूरी मोटर अंदर। और लास्ट में अभी ये ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद बोर का काम हो गया, खत्म हुआ। इसलिए हम इधर ही खेलेंगे। इकड़े बाकर ना ये चालक पुड़े है पानक इकड़े है ना और फिर सब चेक करके इसको यहाँ पे फिट कर दिया अच्छे से। अभी इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये प्रॉब्लम तो हर घर में होती रहती है। काम तो पूरा कर दिए, अभी कैसे चढ़ रहे ऊपर और यहाँ से ये देंगे हम पपीता को तोड़ के लाएंगे। कितने अच्छे से, लेकिन वो इतने ऊपर गए कि मैं कितना भी जंप करूँ या कुछ भी करूँ मेरे से नहीं निकलते। क्योंकि पापा तो अभी एक बार तोड़ते तोड़ते गिर भी गए थे, क्योंकि उन्होंने स्टूल पे चढ़ा था। संभाल के हम लोगों ने इसको बस इतना से नहीं, आसानी से तोड़ रहे पेड़ के ऊपर चढ़ के हाथों से। और ये पपीता का पेड़ इतना पक्का नहीं होता, ये बहुत कैच करो होता है। कुछ भी थोड़ा सा हो जाए ना तो फिर ये नीचे के भाई ने कैच किया, ये तो ये नीचे गिर जाती तो ये तो डैमेज हो जाती और फिर वो सड़ जाती पकने से पहले। तो इसी आसानी से तोड़ी और उधर से हमारे गुजराती भाई भी है तो उनको भी दे दिया। खुश हो गए और वो ये तो एक कृष्णा की फ्रेंड के पापा है जो हमारे बिल्डिंग में सड़ जाती है वो फिर। और जो जितनी तोड़ने को आई उतनी हम लोगों ने तोड़ लिया यहाँ से इनकी हेल्प से। तो वो भी निकाल लो, वो जो सामने नहीं हरी वाली बहुत सारी है जो अभी नहीं, पकी नहीं, नहीं, नहीं है नहीं, नहीं, वो पकेगी। दो तीन दिन में एक नहीं उसको रहती है हो जाएगी, यहाँ पर खाने में फ्रेश फ्रेश मिलती है। इसीलिए मैं कहती हूँ जहाँ भी जगह हो आपके पास फलों के ट्रीज लगाया करो, ताकि आपको वो भी दे छाव भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा और बहुत सारे पंछी आपके गार्डन में आया करेंगे जहाँ पे बैठेंगे वो। फिर वो हमसे नहीं और फल फ्रूट खाने आएंगे तो आप उनके लिए थोड़े से दाने भी डाल देना, ताकि वो बहुत बार आए। मेरे गार्डन में तो बहुत सारे पंछी आते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे उनके लिए दाना और पानी दोनों रखती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से खाते है और इसी पेड़ पर बैठते है। तो अभी देखो तोड़ दिया अभी, और अभी नीचे गिरा भी गिर सकती और ये ऊपर से दूसरे साइड से। ये बहुत आसान नहीं था, मैंने मना भी किया था उनको जाने दो, फिर भी वो माने नहीं और वो तोड़ रहे। अभी उसको तोड़ेंगे और वो नीचे गिरेंगे। कृष्णा भी हेल्प कर रहा था, सब मिला के जैसे कि कोई मिशन हो जिसमें सब लगे हुए थे। पपीता ही तोड़ना है अभी। और फिर कुछ देर के बाद फिसली हो तो सीधा नीचे आके गिरी। और अभी तोड़ रहे के बाद हम लोगों वो भी हम लोगों ने उस गुंजन के पापा को दे दिया, दो उनको दिया। और अभी वो आज ये गिरने वाली थी तो अभी गिर गई। और फिर जो तोड़ने थे, तोड़ने के लिए आए थे, जिसको ये लोग थोड़ा सा भी काम करना हो तो वो तोड़ लेनी चाहिए। फिर वो पक जाती है बहुत अच्छे से, लग गया तो अभी यही किया। लेकिन इसने बहुत परेशानी और अभी गिर गई, ये उनको दे देंगे। तो दो उनको दे दी। मुझे लगता है हम सब एक ही खाने से अच्छा है कि मिल बांट के खाओ आराम से आओ। तो अच्छा लगता है क्योंकि उनके लिए वो तो मार्केट से लाते लाते हैं, लेकिन जब हम किसी को देते हैं ना तो उनके लिए वो लाइफ टाइम यादगार याद बन जाती है। तो अच्छा है ना कि हमारे पेट में डालने से कितना भी डालो उसको कमी होता है, इसीलिए हम जो दूसरों को भी बांटना चाहिए ताकि उनके लिए उनके लाइफ में भी हमारा वो कभी भी याद करेंगे हमको। तो इसीलिए अरे भाई नीचे भी आ गए और ये देखो यहाँ पे कैसा लगा ऊपर छोड़ के। तो अभी इनके घर में भी बच्चे हैं और इनको तो मैं बचपन से जानती हूँ, वो छोटे हैं मुझसे। और सबको पपीता भी मिल गए, काम भी हो गए और इन भैया ने
और हमारे यहाँ से ट्रेन जाती तो उसकी आवाज में थोड़ी सी आवाज इतनी गड़बड़ी हो गई। थैंक यू, बाय बाय। और ये हम लोग बहुत ऐसे नीचे से तोड़ते तो उसमें कुछ लग जाता और बहुत ऊपर था तो उन भैया ने हमको ये तोड़ के भी दिया, उनको भी दे रही है के, और उनको भी देने के बाद जो है हमारे पास उसको हम ऐसे पेपर में लिपट कर रखेंगे। देखो कितने अच्छे से, तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे अभी इसको ऐसे से, और कोई केमिकल यूज करने की जरूरत ही होगी पकाने के लिए, ऐसे ही रख दो बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो अभी इसको पैक करेंगे दुल्हन की तरह पूरा, तो बहुत जल्दी पक जाएंगे, है ना। कृष्णा भी ला रहा है अभी, और भी कौन सी लाई कृष्णा, और कृष्णा को पपीता बिल्कुल भी पसंद नहीं, पसंद है नहीं है पसंद। और आपके पीछे भी कोई गार्डन या कुछ हो ना तो वहाँ पे लगाना ऐसे फल के पौधे, तो खाने को भी मिलती है और हेल्दी भी होती है, और जैसे मार्केट से लाने से ज्यादा घर पे चीजें जो मिलती है ना उसको खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये हम लोगों के लिए एक दो दिन में एक ना एक पक जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, और कृष्णा को बिल्कुल पसंद नहीं, पसंद नहीं। इसको अभी काट कर खाएंगे सब, वो ये पेड़ पे पकी हुई। और हाय देखिए हमारी बोर को पानी आ रहा है और यहाँ पे और भी पानी गिर रहा है, इतना बड़ा और यहाँ पे पानी अभी आ चुका है। और नहीं हमारे पास में घर जो पानी नहीं होता तो ये देखो ये हमारी घर की खिड़की है बेडरूम की, और ये हमारा गार्डन है देखिए, यहाँ पे हमारा पपाई का झाड़ है देखिए। पपाई अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।